भोजपुरी इंडस्ट्री में पावर स्टार पवन सिंह की बात करें तो पवन सिंह की दीवानगी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में हमें देखने को मिलती है। पवन सिंह की फिल्मों में हमें आमतौर पर एक्शन ही देखने को मिलता है और ऐसे में माना जाता है कि पवन सिंह को पछाड़ना किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के अभिनेता के लिए बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन ऐसे में पवन सिंह को पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं भोजपुरी के जाने माने अभिनेता प्रदीप पांडे चिंटू। जी हाँ, प्रदीप पांडे चिंटू ने अभिनेता पवन सिंह को पीछे करके रख दिया और साल 2019 का सबसे बड़ा खिताब अपने नाम कर लिया है। दरअसल अभी हाल ही में मुंबई में भोजपुरी फिल्म्स अवार्ड आयोजित किया गया था, जिस अवार्ड शो में प्रदीप पांडे चिंटू को बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिला और इस मामले में पवन सिंह पीछे रह गए। जानकारी के मुताबिक बताना चाहेंगे, प्रदीप पांडे चिंटू को ये अवार्ड उनकी फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से 2 के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की थी और इसी एक्टिंग को देखते हुए उन्हें बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिल चुका है। बताना चाहेंगे, प्रदीप पांडे चिंटू भोजपुरी इंडस्ट्री के सुलझे हुए अभिनेता हैं और उनकी जबरदस्त एक्टिंग हमें भोजपुरी फिल्मों में देखने को मिलती है। प्रदीप पांडे चिंटू की बात करें तो उन्होंने कई सारी भोजपुरी इंडस्ट्री को ऐसी फिल्में दी हैं जो फिल्में आज भी दर्शकों के बीच काफी ज्यादा पसंद की जाती है। प्रदीप पांडे चिंटू काफी मेहनती अभिनेता है और अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर हमेशा से ही काफी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ ही दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 की बात करें तो इस फिल्म के निर्माता थे राजकुमार आर पांडे और उन्होंने इस फिल्म पर पूरा पैसा लगाया था। साथ ही इस फिल्म को बनाने के लिए काफी ग्रैंड लेवल पर इस फिल्म की शूटिंग भी की गई थी और इस फिल्म को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। साथ ही प्रदीप आर पांडे की जमकर तारीफ भी लोगों ने की और शायद यही बड़ी वजह है कि इसी फिल्म की वजह से उन्हें बेस्ट पॉपुलर एक्टर का अवार्ड मिला।